आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 4 देखेंगे देखेंगे 42 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। तो ऑप्शन है अम्लीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन या सभी उत्तर सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे क्षारीय दंत मंजन। क्वेश्चन नंबर 43। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है। देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होते हैं। बोलेंगे जी ऑप्शन क है कार्बन डाइऑक्साइड, ख ऑक्सीजन गैस, घ हाइड्रोजन गैस, घ नाइट्रोजन गैस। तो इसका आंसर होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है। बोलेंगे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या ब्रोमीन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर क है हाइड्रोजन गैस। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल के अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, जल गैस। इसका आंसर हो जाएंगे ख जल गैस। अगला, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। क प्राकृतिक सूचक, ख गंधीय सूचक, घ संश्लेषित सूचक या घ समान सूचक। तो इसका आंसर हो जाएंगे ख गंधीय सूचक। किसी विलयन में हाइड्रोजन में आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक सूचक, लिटमस पत्र सूचक, मेथिल ऑरेंज सूचक, फिनोल्फथलीन सूचक। बोलेंगे तो इसका होगा सार्वभौमिक सूचक। अधिक संख्या में एच प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं, ध्रुवल अम्ल कहते हैं, सामान्य अम्ल कहते हैं या Ny10 अम्ल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क प्रबल अम्ल कहते हैं। कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। प्रबल अम्ल, ध्रुवल अम्ल, Ny10 अम्ल कहते हैं या नॉर्मल अम्ल कहते हैं। तो ध्रुवल अम्ल कहते हैं। 50। अपचय की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस ध्रुवल क्षारक से किया जाता है। NaOH से, KOH से, MgOH का हॉल टू से या KOH का हॉल टू से। तो इसका आंसर होंगे ग MgOH का हॉल टू से। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। इसके आंसर हो जाएंगे घ क्षारीय ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ग अम्लीय ऑक्साइड। निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है। शुष्क HCl गैस, अमोनिया का घोल, नाइट्रिक अम्ल या सोडा वाटर। तो इसका आंसर हो जाएंगे ख अमोनिया का घोल। अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दुधिया रंग किस रंग में परिवर्तन हो जाता है। श्वेत, पीला, नीला,
हरा। इसके आंसर हो जाएंगे क, श्वेत। निम्न में सही कथन को चुने, ऑप्शन क है, अम्ल जल में H+ आयन देता है, क्षार OH- आयन देता है। ख, अम्ल जल में H3OH+ दे आयन देता है, क्षार OH+ आयन देता है। ग, अम्ल जल में OH- आयन देता है, क्षार H+ आयन देता है। घ, अम्ल जल में H3O+ आयन देता है और क्षार OH- देता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे घ, अम्ल जल में H3OH+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देता है। चलेंगे 55 क्वेश्चन हो गए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, उन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता जा सकता है? बोलेंगे लवण सूचक, ख अम्ल सूचक, ग अम्ल क्षारक सूचक, या घ क्षारक सूचक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ग, अम्ल क्षारक सूचक। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है, यह किस यौगिक लवण को लवण के बनाने से हुआ? CuO, CuCl2, CuCl3, CuOH का होल 2। इसका आंसर होगा CuCl2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, 58 क्वेश्चन नंबर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विक्षेपण प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्वि विस्थापन प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। बोलेंगे तो इसका आंसर होगा हाँ, क्लोर क्षार प्रक्रिया। लिटमस रंजक, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, जिस किससे निकाला जाता है जी? ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन हर एक साल पूछे गए क्वेश्चन हैं। ज़रूर विद्यार्थी अच्छे से देखें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को आगे वहाँ देखने के लिए प्रेरित करें, ठीक है? तो आगे देखेंगे कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। क, लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल। तो इसका आंसर था लाइकेन। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? क, विरंजक चूर्ण, ख, कैल्शियम क्लोराइड, घ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, घ, जल। तो इसके आंसर हो जाएंगे विरंजक चूर्ण, ऑप्शन क। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? देखेंगे बिहार बोर्ड से 13 में और 14 में भी पूछा गया है। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? NaHCO3 के, NaOH के, CaCOH होल 2 और CaCO3 के। तो इसका हो जाएंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के, यह है कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है, लगभग कितना होता है? 11 है, 12 है, 13 है या 14 है? तो इसका pH मान 14 होते हैं। जठर रस का pH मान क्या होता है जी? 1.2, 7, 14 या 10? तो इसका जठर रस का pH मान होता है 1.2। हमारे शरीर किस pH प्रास के अंदर कार्य करता है? 0 से 6, 6 से 9, 9 से 11 या 7 से 7.8? तो इसका आंसर घ हो जाएंगे, 7 से 7.8 शरीर के जो pH मान होते हैं प्रास के अंदर कार्य करते हैं। एक विलयन pH पेपर को लाल बना देता है, एक विलयन जो है वो pH पेपर को लाल बनाता है। विलयन का pH
में से कौन होगा? विलयन के पीएच में से कौन होगा जी? वो 1 से 2, 5 से 7, 10, 8 से 10 या 12 से 14? तो इसका आंसर हो जाएंगे क, 1 से 2। ताजे दूध का पीएच मान होता है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसका पीएच मान क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा जी? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो इससे क्या हो जाएगा, पीएच मान घटेगा। एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देना, तो इसका पीएच मान कितना होगा, 1, 5, 10 या 7? तो इसका पीएच मान 7 होगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। तो संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। तो इसके आंसर हो जाएंगे लाइकेन के पौधे से, घ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? क ऑप्शन है 10, 2.2, 12, 14। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2, ऑप्शन ख। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। बोलेंगे मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभदायक है? तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ऑप्शन क। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लाइटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो नेटल के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन घ। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा? CaSO4 × H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 10H2O, CaSO4 × 5H2O। तो इसका आंसर होगा CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन ख। नीला थोथा तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होता है ख, CuSO4 × 5H2O, तृतीया का CuSO4 × 5H2O। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन ग, ऑप्शन ग। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो इसका आंसर होगा पीला। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बोलिए। तो इसका संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन क। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl है, NaOH है, K2SO4 है, NH4OH है। तो इसका हो जाएगा K2SO4, ऑप्शन ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु के अभिक्रिया से कौन से गैस उत्पन्न होते हैं? तो इसका हो जाएंगे घ, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ऑप्शन क।
ऑप्शन ख अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ग धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, घ धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, इसमें से सही तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक, ऑप्शन क। अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिक या एंटीसेप्टिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ग एंटासिड। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे जी। NaOH का 10 ml HCl के 8 ml विलयन के पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितने आयतन की आवश्यकता होती है? तो इसकी आयतन हो जाएगा 16 ml। निम्न में किसमें रावा जल होता है? बुझा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन, चूना जल CaOH का हॉल टू में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है? नीला, काला, दुधिया या पीला? तो इसका आंसर हो जाएगा ग दुधिया। विरंजक चूर्ण का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? CaOCl, ख CaCl2, ग CaOCl2 या घ CaOCl का हॉल टू। तो इसके आंसर होंगे ग CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या हैं? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू ½H2O। तो ये सही होंगे CaSO4 इंटू ½H2O, ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं? समान स्केल कहते हैं, pH स्केल कहते हैं, सेंटीमीटर स्केल कहते हैं, मीटर स्केल कहते हैं? तो इसको हम pH स्केल कहते हैं। pH स्केल का शून्य क अधिक क्षारीय को प्रदर्शित करता है, ख अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करता है, ग कम अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, घ उदासीनता को प्रदर्शित करता है। बोलेंगे किसको प्रदर्शित करता है जी? अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगला जो पाठ हम बनाएंगे 5, उसमें हम लोग धातु एवं अधातु को क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी उस वीडियो को भी बनाएंगे, इसको अच्छा से पढ़ के